आज रात किचन रेसिपी बनाएंगे कद्दू। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, कद्दू और पापड़ बनाएंगे। कद्दू पापड़ की इतनी टेस्टी मजेदार रेसिपी कि आप उंगलियां नहीं प्लेट भी चाट जाएंगे और मजा ही आ जाएगा, स्वाद बढ़ जाएगा, फ्लेवर बढ़ जाएगा। ये भी पेट के लिए अच्छा होता है और पापड़ भी पेट के लिए अच्छे होते हैं हाजमे के लिए। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 पापड़ और कद्दू 2 किलो 500 ग्राम है, तो पूरा नहीं लेने वाले दोस्तों काम में। मम्मा इतना खरीद के लिए आई तो हम इसमें से सिर्फ 750 ग्राम तोल के लेंगे। तो इसे पहले हम काट लेते हैं। ग्रीन है एकदम। हो यहां से थोड़ा सा येलो है, क्या बात है, पर अंदर से मेरे को लग रहा है बिल्कुल हरा है, मतलब बढ़िया वाला कद्दू है। ये काफी हार्ड है, कट लग गया मेरे हल्का सा, क्या बात है। ये ओहो बहुत ही शानदार कद्दू निकला है। तो इसको रखते हैं साइड में, इसमें से 750 ग्राम तोल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 750 ग्राम ये इतना, ये हो गया 750 ग्राम। चलिए इसको क्या करते हैं, चम्मच लेते हैं, चम्मच कहाँ गई, ये इससे इसको इसका अंदर का पल्प निकाल लेते हैं। वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार। मजा आने वाला आज तो कद्दू। चलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा शादियों में कहाँ मिलता है, कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा शादियों में, अब तो शायद रिवाज चला गया होगा पर अभी भी बनता है गांव में, तो अभी भी बनता है शादी में। जब तक कद्दू नहीं बने तब तक शादी कहा जाता है अधूरी है। तो ये कहां पर, कहां पे कद्दू शादी में आपको मिलेगा ही मिलेगा, फंक्शन हो कुछ भी उसमें कद्दूआ की सब्जी और पूरी और दही बूरो जरूर मेरा आएगा। चलिए किस किस को पता फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में। ये कद्दू हमारा साफ हो गया है और अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं। अब देखिए ये ग्रीन है तो आप चाहे तो ये येलो वाला हटा देते बस छिलका, और ये ग्रीन पूरा डालेंगे इसके अंदर। तो इनको काट लेते हैं ऐसे, इसको वैसे लंबा लंबा काट लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा काटे, खड़ा खड़ा कद्दू ही अच्छा लगता है, ज्यादा पतला ना काट दे वरना मजा नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात है, ओहो अब देखिए ये चौड़ा है ना ज्यादा, इससे थोड़ा सा काट दें। ये देखिए क्या बात है, कद्दूआ की सब्जी, मजा आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, काट देते हैं। ये तो काफी बड़ा है, इसके तो सबके 2 पीस होंगे, ये वाला छोड़कर शुरू वाले, इधर वाला छोड़कर। अब देखिए इसको ऐसे काटते हैं और ऐसे काट लेते हैं।
चलिए कद्दू हमारा कट गया है, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। और कौन कौन नहीं खाता है कद्दू, मुझे तो बहुत पसंद है। और कद्दू के साथ जब पापड़ जाएंगे तो एक नंबर एक मस्त टेस्टी बनेगी कदुआ की सब्जी। ये लीजिए, अब ये तो हो गया हमारा कद्दू कट गया है, ये गए हटाएं, ये लीजिए पानी, ये है सबकी जिंदगानी। कदुआ डाल देते हैं, क्या बात है, हल्का सा धो लेते हैं, पानी चेंज करके वापस पानी में डाल देंगे। और अब बताते हैं आपको क्या क्या मस्त सामग्री डलने वाली है। पापड़ जो हमारे पास में है तीन, इनको रोस्ट करके रख लेंगे। मस्त मसालेदार कद्दू और पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए इतनी सामग्री टेस्टी और मजेदार बनाने के लिए। यहाँ पर हमें चाहिए दो बड़ी साइज की हरी मिर्ची गोल गोल काट ली है, यहाँ पर लेंगे अदरक एक इंच और 25 कलियां लहसुन की जो इसके अंदर आयरन के स्रोत में कूट ली है, एक बड़ा चम्मच लेंगे अमचूर पाउडर, आपको कीरी मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च लेंगे एक छोटा चम्मच, कश्मीरी लेंगे एक बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे एक बड़ा चम्मच, हल्दी लेंगे एक छोटा चम्मच, काला नमक लेंगे चटकारे के लिए एक छोटा चम्मच, सी सॉल्ट लेंगे स्वाद अनुसार, और ये है जान कद्दू की, इसके बिना कद्दू में फ्लेवर नहीं आता, एक बड़ा चम्मच मेथी दाना। यहाँ पर ने लिए छोटे साइज की तीन प्याज जिन्हें स्लाइस में काट लिया है और आधा चम्मच हींग। यहाँ पर चला दिए कढ़ाई, कढ़ाई को होने देते हैं फटाफट गरम। यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट भी लिया है, दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उन्हें बीज और छिलका निकालकर पेस्ट बना लिया है हल्का सा पानी डालकर। अब यहाँ पर आ जाते हैं कद्दू में से निकाल लेते हैं पानी, कद्दू हमने धो लिया है और यहाँ पर हमने पापड़ भी रोस्ट कर लिए। तो पापड़ ऐसे रोस्ट करने हैं, जलाने नहीं है, हल्के से रोस्ट करने, हल्के से कच्चे भी रहेंगे तो चलेंगे। कढ़ाई हो गई है गरम, इसमें डाल देते हैं हम फटाफट सुंदर सुशील कढ़ाई में चार चम्मच तेल, टू ऑयल वाले एक बूंद डाल सकते हैं और पानी में भी बना सकते हैं, और मसालेदार खानी है तो दो चम्मच बढ़ा सकते हो आप लोग। यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, गैस को पहले हाई फ्लेम पे करते हैं। यहाँ पर करीब करीब कढ़ाई अच्छे से गर्म होगी तो तेल भी गर्म हो गया है। यहाँ पर हम डाल देंगे मेथी दाना, गरम गरम तेल में नहीं डाले, एकदम गरम करके डाल दोगे तो मेथी दाना जल जाएगा और स्वाद और फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे छिड़का लेते हैं, मेथी को लग रहा है तड़का, लग जा हल्का सा ही तड़का लगाना है, जलाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। और मीडियम रहनी चाहिए, ज्यादा अगर कच्ची रह गई तो फिर दांत में फंसेगी, चुभेगी, ऐसा लगेगा कंकर खा रहे हो आप। और थोड़ा सा इसे हिला देते हैं, ये लीजिए तड़का लग गया है, आया है पट पट करने लग गई। सीधा डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्च, हरी मिर्ची के साथ कदुआ, कदुआ के साथ एक छोटा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सी सॉल्ट नॉर्मल वाला, एक छोटा चम्मच काला नमक, और क्या करेंगे मिला लेंगे। गैस को करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर और मीडियम लो फ्लेम पर इसे इस तरीके से रेगुलर चलाते रहेंगे 5 मिनट तक, 5 से 6 मिनट आपको देने हैं। और इनका साइज भी काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा छोटा हमने काटा नहीं है, तो पकने में लगेगा समय, तो पूरा 5 से 6 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर रेगुलर चला लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा छोड़ देंगे फिर चलाएंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे फिर चलाएंगे। दोस्तों मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसे पूरा 6 मिनट चला लिया है, कद्दू हमारा यहाँ पर 60-70% पक गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और कद्दूआ निकाल लेते हैं। यहाँ पर
ये छिलका अभी भी नहीं पका है, अभी बता देता हूँ दोस्तों। कद्दू पूरा निकल गया है, यहाँ पर हमने गैस वापस ऑन कर दिए, इसमें आ रही है उबाली। आपको लग रहा होगा कि तेल तो बहुत कम डाला था, इसमें पानी भी है दोस्तों। अब सीधा सिंपल इसमें डाल देंगे हम पहली फुर्सत में प्याज। प्याज के साथ ही आयरन के स्रोत में कूटा करना अदरक और लहसुन, काला पड़ गया है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, गैस हाई फ्लेम पर कर दी हमने, देखिए अब हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज को जलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करना है बस। 3 मिनट हो गए हमें। लहसुन देखिए चिपक गया है, देखिए अच्छे से नीचे। और गैस को कर देते हैं लो फ्लेम पर। एक बड़ा चम्मच डाल देते हैं इसके अंदर धनिया पाउडर, हल्दी डाल चुके, हल्दी नहीं डालेंगे, हींग डाल देंगे यहाँ पर तेल में। एक छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और एक बड़ा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा चलाएंगे लो फ्लेम पर, हल्का सा बस। मसाले पक गए, ये देखिए पक गए। डाल देंगे इसमें 100 ml पानी। गैस हाई फ्लेम पे करेंगे और एक इसमें अच्छी सी उबाली आने देते हैं। देखिए दोस्तों, हाय हाय क्या कलर आया, मुंह में पानी आ गया। मैं सोच रहा हूँ इसी को खा लूँ, मैं कद्दू कैंसिल करूँ। नहीं, कर नहीं सकते ना, कद्दू बनाना है तो कद्दू ही जाएगा। अब इसमें कद्दू मिलाते हैं। देखिए मिला लिया, अब इसमें पानी नहीं है दोस्तों, और पापड़ जाएंगे तो पानी सारा सोख कर लेंगे। यहाँ पर 1 कप पानी डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ऐसे मिलाते हैं। आए हाय हाय, पापड़ डालने की मुझे तो जरूरत नहीं लग रही दोस्तों। चलिए अब गैस को करते हैं लो फ्लेम पर और 4 मिनट से 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पूरे 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों, हटाते हैं ढक्कन, गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर, मिलाते हैं। अरे वाह भैया वाह, क्या बात है, मिला लिया। अब आपको लग रहा हो इतना सारा पानी कद्दू में कौन डालता है। अरे दोस्तों, अभी पापड़ जाएंगे ना तो पानी आपको मिलेगा ही नहीं इसके अंदर। ये लीजिए, अब डालते इसमें हम अमचूर पाउडर और टमाटर का पेस्ट, मिलाते हैं। मिला लिया, गैस वापस करते हैं अब मीडियम लो फ्लेम पर और वापस 3 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं पूरे। डालेंगे अब इसमें हरा धनिया 50 ग्राम बारीक कटा हुआ, मिलाएंगे। और अब जादू दिखाते हैं आपको। ये देखिए पापड़ हमने तोड़ लिए ऐसे थोड़े मोटे साइज में, और मैं रिकमेंड करूंगा आप चूरा करके डालें तो और मजा आ जाएगा, तो 2 पापड़ में ही आ जाएगा आनंद। मिला लेते हैं, और पापड़ डालने के बाद में इसे ज्यादा नहीं सिर्फ 2 मिनट से कम चलाना है आपको। ये देखना, अभी पापड़ करेंगे जादू, सारा जो इसके अंदर झोल है सब सोख मारेंगे। ये देखिए, और जैसे ही थोड़ा छोड़ दोगे ना आप, तो एकदम सूखी कद्दुआ की सब्जी बन जाएगी थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स दोस्तों, कद्दूआ पापड़ की रेसिपी सब्जी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ऐसी रेसिपी पाने के लिए। मेरे चैनल पर अभी तक रेसिपी उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मजा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। तो चलिए आज जो बनाइए कद्दू पापड़ की मसालेदार एकदम यूनिक रेसिपी, उसे खाकर खत्म करते हैं, पूरी के साथ में गैस को करते हैं बंद।